दोस्तों, बंदर एक ऐसा स्तनधारी जीव है जो कि स्तनपायी जीवों के सर्वोच्च श्रेणी में आता है। ये बंदर बहुत ही नटखट और शरारती होते हैं, जिसे हम अक्सर पेड़ों में उछल कूद करते हुए देख लेते हैं। अगर बात करें इनके रंगों की, तो इन बंदरों का रंग इनकी प्रजाति के आधार पर अलग अलग होता है। ये ऐसे जीव हैं जो बहुत ही फुर्तीले होते हैं और अक्सर झुंड में होते हैं, और जैसे ही इन्हें कोई खतरा महसूस होता है, ये तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। इन बंदरों की अधिकांश प्रजातियां मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। अगर बात करें इनकी प्रजातियों की, तो इस दुनिया में इनकी लगभग 260 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन बंदरों का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बंदर दुनिया भर में आम तौर पर जंगलों, घास के मैदानों और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, लेकिन सिर्फ बबून और मकाक ये दो प्रजातियां हैं जो सिर्फ जमीन पर रहना पसंद करती है। ये बंदर लगातार भोजन की तलाश में आगे बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए ये एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रहते। इन बंदरों के पास एक ऐसा शरीर होता है जो सिर से लेकर पूंछ तक घने बालों से ढका होता है। अगर बात करें इनके आकार की, तो इनका आकार प्रजातियों के आधार पर अलग अलग होता है, और अगर एक सामान्य बंदर की बात करें तो उसकी लंबाई लगभग 2 से 4 फीट तक होती है, और उसका वजन लगभग 45 किलोग्राम के आसपास होता है। अगर बात करें इनके भोजन की, तो इन बंदरों का आहार प्रजाति और इनके निवास स्थान के आधार पर निर्भर करता है। अधिकांश बंदर की प्रजातियां सर्वाहारी होती है, यानी ये पेड़ पौधे और दूसरे जीवों को भी भोजन के रूप में खा लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जो बंदर होते हैं, वो फल, पत्ते, बीज, नट, फूल, घास, जड़ें और सब्जियां खाते हैं, और कुछ बंदर की प्रजातियां पक्षियों के अंडे और मकड़ियों सहित कीड़े और छोटे स्तनपायी जीवों को भी खा लेते हैं। और अगर बात करें इनके जीवन चक्र की, तो इन बंदरों के जीवन काल में कोई प्रजनन मौसम नहीं होता, यानी ये किसी भी मौसम में प्रजनन कर सकते हैं। लेकिन जब तक इनके पास पर्याप्त भोजन और आश्रय उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक ये बंदर प्रजनन नहीं करते, और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, उसके बाद ये प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चलिए अब हम इनके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा गर्भावस्था में आ जाती है। आपको बता दूं कि मादा के गर्भावस्था का समय लगभग 4 से 8 महीनों तक हो सकता है, जो प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। जब मादा के गर्भावस्था का समय चल रहा होता है, तो इस दौरान इसके गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। तो जैसे ही इसके गर्भावस्था का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे को जन्म देना शुरू करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बच्चे को जन्म दे रही है। आपको बता दूं कि मादा एक बार में 3 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन जो अधिकांश प्रजातियां होती है, वो एक समय में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उसकी आंखें खुली होती है, और उसका शरीर विकसित, कोमल और बालों से ढका होता है, और इस समय इसका वजन 14 ग्राम से 1 किलोग्राम के बीच होता है। ये बच्चा मादा के सीने से लिपटा होता है और मजबूती से पकड़ने में सक्षम होता है, और थोड़ी ही देर बाद ये अपने पैरों में
खड़ा होना सीख जाता है। बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी खास देखभाल उसकी माँ द्वारा की जाती है, जिसके बाद समय समय पर मादा अपने बच्चे को दूध पिलाती है। और इस अवस्था के दौरान ये बच्चा अपना ज़्यादातर समय अपनी माँ की पीठ या उसकी बाहों में बिताता है और यही अवस्था लगभग 6 से 18 महीनों तक जारी रहती है, जिसके कारण ये बच्चा इस समय का उपयोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को सीखने के लिए करता है, जिसमें मादा अपने बच्चों को खेलने, अपनी आवाज़ द्वारा बुलाने, भोजन खोजने और यहाँ तक कि हंसने के माध्यम से बच्चों को संचार और समाजीकरण का कौशल सिखाती है और इस तरह बच्चे का लगातार विकास होते रहता है। तो जैसे ही 6 से 18 महीनों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये बच्चे युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद इस युवा बंदर को झुंड में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये अभी भी प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व नहीं हुए हैं और अभी भी इनकी देखभाल इनकी माँ द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बंदर युवा अवस्था में लगभग 3 से 6 सालों तक रहते हैं, जो विभिन्न प्रजाति के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये बंदर फल, पत्ते, बीज, नट, फूल, घास, सब्जियाँ आदि चीज़ों को खाकर अपना गुजारा करते जाते हैं। तो जैसे ही 3 से 6 सालों का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अधिकांश बंदरों को वयस्क होने के लिए 18 महीने से 8 साल का समय भी लग जाता है और जो मादाएं होती हैं वो नरों से लगभग 1 साल पहले ही वयस्क हो जाती है, चाहे वो किसी भी प्रजाति की हो। तो जैसे ही ये पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद ये यौन रूप से प्रजनन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परिपक्वता का विकास होने के बाद ये तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो एक सामान्य बंदर का जीवन काल लगभग 15 से 35 वर्षों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।